नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि करवा चौथ पर मेहंदी लगा रही मुस्लिम महिलाओं के साथ देश की राजधानी में कैसे दादागिरी की गई। साथ ही विश्लेषण इस बात का करेंगे कि आखिरकार ये नफरत कहां जाकर रुकेगी, मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें इस मुद्दे पर क्यों सोई हुई हैं। साथ ही इस वीडियो में उन हिंदू भाइयों को भी जगाने की कोशिश करेंगे जो हिंदुओं को जगाने के नाम पर करवा चौथ पर मेहंदी लगा रही हिंदू महिलाओं पर भी चिल्लाते हैं कि आप इन महिलाओं से मेहंदी क्यों लगा रही हैं। उनकी भी कुछ बुद्धि खोलने की कोशिश करेंगे कि ये नफरत समाज और देश को कहां ले जा सकती है। पहले बात करते हैं क्या वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो चर्चा का विषय बन गया है, जो ये सवाल उठाता है कि नफरती चिंटुओं को नाम ना बताने से भी दिक्कत है और पहचान सरेआम उजागर करने से भी दिक्कत है। बुर्का पहन के लगा रहे हैं, हिंदुओं का त्यौहार हिंदू नहीं मना पाएंगे क्या? अरे आज के दिन सूट पहन लेते, आज भी आइडेंटिटी छुपा देते, आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के हम लगा रहे हैं। करवा चौथ पर देश की राजधानी दिल्ली में कुछ महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी। वहां पर मुस्लिम महिलाएं बुर्के में बैठकर मेहंदी लगा रही हैं। ना तो मेहंदी लगाने वाले को कोई परेशानी है, ना मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं को कोई परेशानी है, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हमारे समाज का जितना बुरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता? बुर्का पहन के लगा रहे हैं, हिंदुओं का त्यौहार हिंदू नहीं मना पाएंगे क्या? जब ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तो मेहंदी लगा रही मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। वो मेहंदी लगाना छोड़कर खड़ी हो जाती हैं और सहम जाती हैं। उसके बाद भी चिल्लाना जारी रहता है कि देखिए, इनको डर नहीं लगता, अपनी पहचान उजागर करने से भी डर नहीं लगता, कम से कम आज तो हिंदू वेशभूषा में आ जाती। अरे हिंदुओं का क्यों आ रहा है, हिंदू नहीं बनाएगा, ये लोग बनाएंगे, बुर्का पहन के बैठे हैं। अरे आज के दिन सूट पहन लेते, आज भी आइडेंटिटी छुपा देते, आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के हम लगा रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों के दिमाग का क्या किया जाए? पहले तो कहते हैं कि हिंदू बनकर ठगने का काम करते हैं, हिंदू बनकर अपना बिजनेस चलाते हैं। अगर मुस्लिम बनकर साफ तौर पर बुर्का पहनकर भी आती हैं, यानी सबको पता है कि मुसलमान हैं, अपनी मर्जी से कोई मेहंदी लगवा रहा है, तो ये रोकने वाले आखिरकार कौन होते हैं? यानी ऐसे लोगों को पहचान छुपाने से भी दिक्कत है, पहचान दिखाने से भी दिक्कत है, तो ये नफरत का खेल आखिरकार कहां रुकेगा? कायदे से ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन पुलिस कब तक सोई रहेगी? और ऐसे लोगों को भी जगाने की मैं कोशिश करता हूं। कई जगह उत्तराखंड में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और यहां पर मेहंदी लगाने से रोका जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर चिल्लाने के बाद ये हिंदू महिलाओं पर गुस्सा करते हैं कि बगल में हमारी हिंदू महिलाएं भी मेहंदी लगा रही हैं, आप लोग इनसे क्यों लगवाते हैं? अरे हिंदू लगा रहे हैं उधर, और हिंदू भाइयों को लगाएंगे, क्या दिक्कत है? बुर्का वाले से लगवाओगे क्या? हमारा हिंदू समाज बिल्कुल क्या गुजरा हो चुका है क्या? दोस्तों, हिंदू जागरण के नाम पर ऐसे नफरत फैलाने वालों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देश में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब ऐसे आर्थिक बहिष्कार किसी समाज का होता है तो उस समाज में बेरोजगारी पैदा होती है। जहां बेरोजगारी पैदा होती है वहां अपराध पैदा होता है। कल को बेरोजगारी की वजह से कोई अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, जहां पर भी बेरोजगारी आएगी, कमाई का जरिया नहीं बचेगा, वहां अपराध पैदा होता है। और जब अपराध पैदा होता है तो कोई भी इलाका, कोई भी राज्य, कोई भी देश सुरक्षित हाथों में नहीं होता। जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी नहीं होती, क्या वहां पर रामराज आ सकता है? ऐसा आर्थिक बहिष्कार कराना किसी भी समुदाय के हित में नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि एक धर्म के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करके हम सुरक्षित रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अराजकता फैलाने वाले काम है और कायदे से ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हिम्मत देखिए, बाकायदा खुद वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुद अपलोड करते हैं ऐसे लोग, कानून का कोई डर क्यों नहीं है? अगर इसके उलट आप सोच कर देखिए, ऐसा वीडियो अगर किसी और धर्म के लोगों ने बनाया होता तो पुलिस सख्त कार्रवाई करती। तो पुलिस ऐसे लोगों पर आखिरकार कब तक सोई रहेगी? क्या ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि हेट स्पीच पर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कितने मामलों में FIR हो पाती है? आपने देखा होगा बहराइच मामले के बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकाने की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, कितने लोगों पर FIR हो गई। उल्टा सच बोलने वालों को डर लगता है कि कहीं हमारे खिलाफ ही सच बोलने पर कोई FIR ना हो जाए। तो क्या देश में ऐसे अमृतकाल आएगा
क्या ऐसे भारत विकसित भारत बन पाएगा? गरीब लोगों का रोजगार छीनकर ना तो हिंदू सुखी हो सकते हैं, ना मुस्लिम सुखी हो सकते हैं, ना देश विकसित बन सकता है। आप ऐसी नफरत को लेकर क्या सोचते हैं जो देश को बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है और समाज के युवा अपने असल मुद्दे छोड़कर इसी नफरत पर डिस्कस करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर यही डिबेट का विषय होता है और टीवी डिबेट में भी देखिए आप किस तरह का भेदभाव किया जाता है। आज ये जो वीडियो सामने आया है, क्या कोई चैनल इस पर डिबेट करने की हिम्मत दिखाएगा? अगर किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया होता तो एक हफ्ते तक टीवी डिबेट की जाती। दोस्तों, हमें जागने की जरूरत है। जो हिंदुओं को जगाने के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, ये हिंदुओं के भी हित में नहीं है। आप ऐसे मामलों पर क्या सोचते हैं कि सरकार आखिरकार कब तक सोई रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।